सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिश्को डीके में। आज हम बात करेंगे अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर। अडानी ग्रुप के ऊपर आप देखोगे भी एक और बड़ा खुलासा होते हुए नजर आया है, जिसका इफेक्ट आपको अडानी ग्रुप के शेयरों में आज फिर से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग देखोगे अडानी एंटरप्राइजेज की बात करें तो 0.2% के आसपास तेजी में है। अडानी ग्रीन एनर्जी आप देखोगे लगभग 0.7% के आसपास जो टूट चुका है। अडानी पोर्ट की बात करें तो 0.3% के आसपास तेजी में है। अडानी पावर आप देखोगे लगभग 0.3% के आसपास टूटा हुआ है। अडानी ट्रांसमिशन आप देखोगे भी लगभग 4.5% के फॉल पर है। अडानी टोटल गैस आप देखोगे 4.3% के फॉल पर है। अडानी AWL यानी कि अडानी विलमार, ये शेयर भी आप देखोगे 0.3% के आसपास हमें फॉल पर दिखाई दे रहा है। आखिरकार ये क्या हुआ है, क्या खबर आते नजर आई अडानी ग्रुप के ऊपर, क्या बड़ा खुलासा हुआ है? क्लीन चिट को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट हमें अभी अभी आते नज़र आई है। कि पीछे आपने एक अपडेट देखी होगी कि ग्रुप को जो ना अभी क्लीन चिट मिल गई है, किसकी तरफ से? जो एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया है कि वहाँ पर जो बाहर विदेशों से जो पैसा लगाया जा रहा है, यानी कि विदेशों से जो पैसा लगाकर शेयरों को मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन सब के ऊपर आप देखोगे ग्रुप को क्लीन चिट मिल गई है। पीछे आपने कुछ एक न्यूज़ों में ये देखा होगा, ठीक है, वो न्यूज़ हमने भी कवर की थी भी हाँ ये न्यूज़ आई है और यहाँ से हमें जो ना अभी अब शेयरों में तेज़ी बनते नज़र आ रही है। तो भी वो न्यूज़ आप देखोगे कुछ इस तरह से थी कि पब्लिक भी नहीं समझ पाई और न ही आप देखोगे बड़े इन्वेस्टर्स वहाँ पर जो ना उस न्यूज़ का पूरा फ़ायदा उठा चुके हैं। और अब आप देखोगे अडानी ग्रुप के ऊपर फिर से खतरा मंडरा रहा है। तो क्या खबर आई है, चलिए जानते हैं। और उन सबसे क्या इफेक्ट स्टॉकों के ऊपर आने वाला है आने वाले टाइम में, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये हमें अपडेट आते नजर आई है, फैक्ट चेक। क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अडानी ग्रुप को आप देखोगे क्लीन चिट दी है? तो इसके ऊपर जो ना अभी सवाल उठाए जा रहे हैं फिर से, ठीक है। तो बड़े सवाल उठे हैं, इन सबको देखते हुए भी एक अपडेट सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप लोग देखोगे रिपोर्ट में जो स्पष्ट है वह यह है कि समिति ने सेबी को क्लीन चिट दे दी है, ठीक है, सेबी को क्लीन चिट दी है, न कि अडानी ग्रुप की। आप देखोगे भी अडानी ग्रुप को क्या है, जो अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच करने में कथित नियामक विफलता के लिए आप देखोगे जांच के दायरे में भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वो बड़ी खबर है कि अडानी ग्रुप को क्लीन चिट नहीं मिली, अभी ये दी है सेबी को। सेबी को क्यों क्लीन चिट दी है, क्योंकि आप लोग देखोगे सेबी जो ना अभी काफ़ी टाइम से इसके अडानी ग्रुप के ऊपर जांच कर रही है, ठीक है, ये बातें सामने निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में पढ़कर बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे मीडिया में व्यापक रूप से यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति AM सप्रे के नेतृत्व में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट द्वारा आप देखो शुरू की गई जांच के संबंध में अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है। सभी न्यूज़ों में यही था भाई, ठीक है, आपने थोड़े टाइम पहले जो न्यूज़ें पढ़ी थी सभी न्यूज़ों में यही हमें देखने को मिला था कि अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। आखिरकार ये वो जो फैक्ट है वो ये नहीं है कि अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिली है, ये थोड़ा सा आप देखोगे सभी के न्यूज़ों के ऊपर हमें जो ना अभी थोड़ा संदेह था। यहाँ पर आप लोग देखोगे हालांकि इस तरह का जो निष्कर्ष है वो गलत है, क्योंकि समिति की रिपोर्ट ने अडानी को ठीक ठीक क्लीन चिट नहीं दी है, जिसमें विभिन्न पहलुओं की जांच की गई थी, ठीक है। और रिपोर्ट में जो बात सामने आई है वह यह है कि समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी को क्लीन चिट दे दी है, जो अडानी के लेन देन की जांच करने में अपनी कथित विफलता के लिए भी सवालों के घेरे में आ गया था, ठीक है। यानी कि सेबी के ऊपर बहुत सारे जांच करने के लिए आरोप लगे हुए थे कि भी सेबी भी इन सब के अंदर मिला हुआ है, सेबी इसके ऊपर जांच ही नहीं कर रही है। तो इन सब को देखते हुए आप देखोगे समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो प्रथम दृष्टया उसे अडानी कंपनियों के जो जांच में सेबी की ओर से कोई चूक नहीं मिली है, ठीक है।
तो ये वो अपडेट है जो मैं आपको बताने जा रहा था कि भाई क्लीन चिट जो सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को नहीं दी है, सेबी को दी गई है, क्योंकि भाई वहाँ पर बताया गया कि सेबी के द्वारा कोई भी चूक नहीं की गई है अडानी ग्रुप की शेयरों की जांच करने में। तो यहाँ पर वो ये बात आई है, लेकिन इसको बताया गया इस तरीके से जिसके कारण आप देखोगे अडानी ग्रुप के शेयरों में अच्छा माहौल बन चुका था, अच्छी तेजी बन चुकी थी, दो तीन दिन में आप देखोगे स्टॉकों का रुख ही बदल गया था भाई। अडानी एंटरप्राइजेज आपने देखा होगा 2 दिन में 40% के आसपास भाग गया था 2-3 दिन में, तो काफ़ी शानदार तेजी बनी थी उस एक अपडेट की वजह से। वास्तव में समिति की रिपोर्ट काफ़ी आप देखोगे भी हद तक सेबी की जांच पर ही आधारित है, हालांकि दोनों को समूह के लेन देन की स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए कहा गया था। ठीक है, दोनों आप देखोगे सेबी और जो एक्सपर्ट पैनल है उन दोनों को जो ना अभी ग्रुप की जाँच करने के लिए कहा गया था, लेकिन वास्तव में जो समिति की रिपोर्ट है ना वो काफ़ी हद तक आप देखोगे सेबी की जांच के ऊपर आधारित है, यानी जो सेबी जांच कर रही है ना उसी के पीछे जांच कर रही है कौन, ये जो समिति तैयार की गई है ये, यानी कि वहाँ पर कोई चूक नहीं रह जाए, इसलिए उन्होंने बोला है कि सेबी जो जांच कर रही है उसके ऊपर हमें कोई भी अभी तक चूक नहीं मिली है, उसको क्लीन चिट मिला है। ठीक है, तो ये सारी बातें सामने आई है। और अडानी हिडनबर्ग मामले के ऊपर आप देखोगे 15 अगस्त तक का टाइम दिया गया है सेबी को, तो सेबी का फैसला अभी बाकी है, ये मत भूलना। सेबी का फैसला आने के बाद आप देखोगे शेयरों का कैसा रुख होता है कैसा नहीं वो बाद में पता चलेगा। हालांकि आपने देखा होगा भी अभी जो ना जो माहौल बना हुआ है छोटी छोटी न्यूज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या पता किस टाइम कैसी न्यूज़ आए और वहाँ से शेयरों में तेजी बन जाए और वहीं से शेयरों में गिरावट भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, जेफरीज हैं, ठीक है, जो एक आप देखोगे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन सब के साथ साथ आप देखोगे बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज और भी हैं, ठीक है, और GQG के आप देखोगे जो अध्यक्ष हैं राजीव जैन जी वे हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छी बाइंग की गई है शेयरों के अंदर और काफ़ी अच्छा उन्होंने मुनाफा भी बनाया है। तो ऐसे में यहाँ पर आप लोग देखोगे ये वो क्लीन चिट मिली है, न कि आप देखोगे भी कि सेबी के ऊपर जो हमें आरोप वगैरह देखने को मिले थे उसको क्लीन चिट मिलते नजर आई है, न कि अडानी ग्रुप को। तो यहाँ पर यह है वो पूरी कहानी जिसके चलते आप देखोगे शेयरों के अंदर फिर से जो रुझान है वो थोड़ा गड़बड़ा चुका है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे, मैंने हमारे कल वाले वीडियो में आपको स्टॉप लॉस लेके चलने के लिए बोला था, आज की वीडियो में भी SL वगैरह बता दिए थे। देखो भाई प्रॉफिट नीचे से जिन्होंने उठाया उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट बुक हो रहा है ऊपर के लेवल से सभी को पता है, तो यहाँ पर एक अच्छा मौका था प्रॉफिट लेकर बाहर निकलना। और कोई भी अगर अपडेट आती है अडानी ग्रुप के ऊपर तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।